नमस्कार, न्यूज पीआर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। बिहार में आजकल ज्वेलरी दुकानदारों पर आफत आई भी है। चोर और डकैत की नजर अब बिहार के ज्वेलरी के दुकानों पर पड़नी शुरू हो गई है। ताजा मामला सामने आया है राजधानी पटना के बाकरगंज के इलाके से, जहां पर ज्वेलरी की मंडी है। वहां पर SS ज्वेलर्स की दुकान में एक चोर की नजर पड़ी। चोर अंदर जाता है चोरी करने के इरादे से, लेकिन वो नाकामयाब रह जाता है और वहां मौजूद कर्मचारी और दुकानदार उसे पकड़ लेते हैं। फिर क्या था, उसके बाद वहां आस पड़ोस के जितने भी स्वर्ण व्यापारी थे, सभी ने वहां पर हल्ला हंगामा और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां पर सिटी SP को भी पहुंचना पड़ा लोगों को शांत कराने के लिए। सभी लोगों का आरोप है कि बिहार में सुशासन की सरकार सिर्फ और सिर्फ शराब माफियाओं को पकड़ना चाहती है। के लगभग हुई है, उस समय जो है पूरा बाजार खुला हुआ है, बाजार खुला हुआ था उस समय जो है, इनके दुकान पर तीन से चार चार व्यक्ति आए हैं और चार व्यक्ति आने के बाद वो उनका जो है उनके दुकान में डकैती करके पूरा का पूरा सामान लगभग उन्होंने अपने बैग में करके ले गए और वो भागते के क्रम में शायद नीचे में गोली दो तीन बैग में भागते के समय में वो गोली भी शायद नीचे चलाए हैं, हवा फायरिंग हुआ है। लेकिन जब मैं अपने दुकान के बाहर बैठा था, लगभग मेरी दुकान सामने है, तो मैंने देखा कि तीन चार लड़के जो है मोटरसाइकिल से बड़ा तेजी में वहां से घुमाए हैं, टर्न लिए हैं। किस और दुकान में डकैती हुई? SS ज्वेलर्स में डकैती हुई है। SS ज्वेलर्स के ऊपर में है। क्या अनुमान लगा रहे हैं? आप भी अध्यक्ष हैं, क्या अनुमान लगा जा रहा है, लाखों या करोड़ों में? ये जो जिस तरह के व्यापारी अभी आकलन नहीं बता सकते हैं, और सोने का मूल्य बहुत ज्यादा होता है, वो करोड़ में भी हो सकता है, लाखों में भी। कितने लोग, कितना डर में है आज सर्राफा व्यवसायी? क्या कितना डर? देखिए, ये बाकरगंज में लगभग 50 साल से हम लोग बड़ा सुरक्षित थे यहाँ पर, और ये नया प्रशासन जब से आया है, ये पहली बार है कि 50 साल के बाद कोई घटना हुई है, जिसको हम लोग एक चैलेंज के रूप में ले रहे हैं। और इसीलिए हमने कहा कि अगर जब तक अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे और माल बरामद नहीं होगा, तब तक बाकरगंज की दुकान बंद रहेगी, रोड भी बंद रहेगा। उन्हीं पर अपना टाइम खर्च करती है, लेकिन असली अपराधी जो खुलेआम घूमते हैं, उन्हें पकड़ने की कोई भी व्यवस्था नहीं की जा रही है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर बंदूक की नोक पर स्वर्ण व्यापारियों को लूटा जाता है, गोलियां मारी जाती है। कई ऐसे मामले सामने भी आए हैं, जिसको लेकर के विपक्ष ने भी कई अहम सवाल खड़े किए हैं। लेकिन ऐसे में आज ये मामला और तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि वहां मौजूद जितने भी लोग थे, सभी ने सड़क जाम कर दिया और मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे, जिसके बाद वहां मौके पर सिटी SP को खुद पहुंचना पड़ा लोगों को शांत करवाने के लिए। दारू खाली पकड़ो और कोई केस नहीं पकड़ो, पीछे पड़ा हुआ केवल दारू ज्यादा नहीं। वही तो वही बात है, आप लोगों का कहना सही है। उसके अलावा नीतीश कुमार बेरोजगार लोग क्या करेगा, यही सब करेगा, कांड कर दिया। यानी कि हमारी सरकार कहने का, हमारी पब्लिक
आज इस आज जो मूवमेंट हुई है हमारे बाकरगंज में, इससे पब्लिक आज बुरी तरह से बेचैन है, बेचैन है। इतने 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 ज्यादा अभी गुस्से है लोग, ये आज अंदर में जो लूटपाट कर करके घुसे हुए इसके में, वो लुटेरे को पब्लिक चाहती है कि हमारे सबूत किया जाए, प्रशासन अपने हैंड ओवर करके गलत कदम उठाती है। सभी लोगों का आरोप है कि बिहार में सरकार कुछ नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ शराब माफियाओं को पकड़ रही है। पहले पुलिस की 3-3 बार पेट्रोलिंग हुआ करती थी, लेकिन वो भी बंद हो गई है। लोगों का आरोप है कि वो इतना इतना टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उन लोगों की सुरक्षा नहीं की जा रही है। स्वर्ण व्यापारियों को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं ये अपराधी और डकैत, जो खुलेआम उन पर बंदूक लहराते हैं, बंदूक की नोक पर उन्हें लूट लेते हैं, उनके दुकान को लूट लेते हैं। ऐसे में वहां मौजूद जितने भी व्यापारी थे, इस घटना के बाद उन लोगों में जम करके आक्रोश फूटा है और सभी ने वहां पर बवाल खड़ा कर दिया है, जिसके बाद पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा और पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। इस खबर में इतना ही, अब बन रहे न्यूज़ पीआर के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।